लक्ष्य है बच्चों आप सबका? क्या लक्ष्य है? नीट करना चाहते हो ना, डॉक्टर बनना चाहते हो, बचपन से यही सपना आंखों में लेकर चल रहे हो, है ना, और लक्ष्य के अब बहुत करीब आ चुके हो। तो लक्ष्य को पाने के लिए हमको एग्जैक्टली क्या करना है बच्चों, उसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी आज सुनाती हूँ। महाभारत के बारे में हम सब जानते हैं ना, महाभारत सबने देखी है। तो वहां क्या थे, वहां दो ग्रुप थे, एक पांडवों का ग्रुप था और एक कौरवों का ग्रुप था, है ना। उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य जी ना पांडवों और कौरवों को ना जंगल में लेकर चले गए और एक पेड़ के नीचे सबको खड़ा कर दिया, है ना, और पेड़ पर उन्होंने एक चिड़िया लगा दी। अब एक एक करके उन्होंने कौरवों और पांडवों को बुलाया और बोला कि क्या दिखता है। युधिष्ठिर को बुलाया तो युधिष्ठिर ने बोला कि गुरुजी मुझे चिड़िया दिख रही है, पत्तियां दिख रही हैं, मेरे अनुज दिख रहे हैं, मुझे आप दिख रहे हैं, ये बोला युधिष्ठिर ने। फिर भीम को बुलाया, भीम तो बड़ा मस्त था, भीम बोलता है पेड़ पे चिड़िया तो दिख रही है गुरुजी, पर मेरे को तो बस सब जगह लड्डू ही लड्डू दिखाई देते हैं, तो पेड़ चिड़िया तो ठीक है पर मैं तो लड्डू खाना चाहता हूँ। ऐसे करके एक एक करके सारे कौरव पांडव आते चले गए। दुर्योधन आया, दुर्योधन थोड़ा ओवर स्मार्ट था, दुर्योधन ने तो बोला कि गुरुजी मुझे तो नहीं पता, मुझे तो बस हर जगह आप ही आप दिखाई देते हो। तो द्रोणाचार्य जी ने बोला कि नहीं, तू भी पीछे चला जा। लास्ट में उनका फेवरेट स्टूडेंट आया, कौन था उनका फेवरेट स्टूडेंट? अर्जुन, है ना। तो अर्जुन को जब द्रोणाचार्य जी ने बुलाया और पूछा कि तुझे क्या दिख रहा है ऊपर, तो अर्जुन ने एक सीधी लाइन में जवाब दिया और बोला गुरुजी मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बेटा जिस दिन तुम्हें वो चिड़िया की आंख दिखाई दे जाएगी ना, जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा बस यही मेरा लक्ष्य है और अब मुझे इसे ही भेदना है, उस दिन आप देखना लक्ष्य आपसे थोड़ा ही दूर रहेगा और आप जरूर सक्सेसफुल होगी।